हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में आप मेरे बताए हुए हर कन्वर्जन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे कि बाइनरी से जो कन्वर्जेंट होता है सारे नंबर्स में वो कैसे होता है, बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होता है, मींस कि बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑपरेशंस पे आपको चार वीडियो अलग अलग मिलेंगी और एक वीडियो कंबाइंड भी मिलेगी, मतलब कि जिसमें हम ये चारों ऑपरेशन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि अगर आपको एक एक ऑपरेशंस पे देखने हैं तो आप एक एक वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारे ऑपरेशंस देख ले तो आप उसको भी देख सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक या आई बटन पे भी उसको दे दूंगा। ठीक है, मीन्स कि ऐसा है कि मैं एक वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ही बताऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे ऑपरेशंस को, मींस कि इनके साथ साथ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा या ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्सा और ऐसे सारे बताऊं, तो आप इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें मैं इन सारे ऑपरेशंस को एक ही वीडियो में बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग देखना तो आप इसको अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसा कि मेरी ये नॉर्मली मैं इसको एक वीडियो में इस सिर्फ बाइनरी वाले ऑपरेशंस को बता रहा हूँ कि बाइनरी से किस में कन्वर्ट करा जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले तो हम लोग लेंगे बाइनरी टू डेसिमल। सबसे पहले चलिए हम लोग इस टेबल को जान लेते हैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टेबल बना लिया तो आपके ये सारे ऑपरेशंस जो हैं और आगे आने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे बहुत ही आराम से हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हमने ये टेबल कैसे बनाई। हो सकता है कि आवाज़ का थोड़ा बैकग्राउंड में इशू हो, क्योंकि थोड़ा बगल में ही हमारे यहाँ थोड़ा काम चल रहा है, तो खैर उसकी बात जाने देते हैं। तो हम लोग पहले इस वीडियो को देखते हैं कि भैया मैंने ये टेबल कैसे बनाई। तो चलिए भैया पता करते हैं कि इस टेबल को मैंने कैसे बनाया। तो इस टेबल में मैंने देखा है कि भैया यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं कुछ, यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिखा है, यहाँ पे ऑक्टल लिखा है, यहाँ पे सिर्फ डेसिमल लिखा है। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया, तो बनाया कैसे, भैया देखिए ऑक्टल में हम लोग जानते हैं ऑक्टल में कितना होता है, बेस जो होता है वो 8 होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेस क्या होता है। ये जो यहाँ पे लिखा होता है, हमारे जो भी ऑपरेशंस लिखे होंगे, जैसे बेस 2 है, ये बेस 10 है, ठीक, तो इसको बेस बोलते हैं हम लोग। बेस 2 मीन्स जब भी बेस 2 होता है तो इसका मतलब होता है ये बाइनरी है, और जब भी बेस 10 होता है इसका मतलब होता है ये डेसिमल है, और जब भी बेस 8 होता है तो इसका मतलब होता है ये ऑक्टल है, और जब भी बेस 16 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑक्टल से ही शुरू करते हैं। तो ऑक्टल पता करते हैं कि मैंने ये ऑक्टल वाली टेबल कैसे बनाई, मतलब ऑक्टल की टेबल, यहाँ से ये 3 नंबर्स हैं इधर के, ये 3 नंबर्स, और ये सिर्फ 7 तक ही गया है, ऑक्टल में सिर्फ 7 है। ठीक, तो ये 7 तक ही क्यों गया, क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ कितना बेस कितना है यहाँ पे 8। तो पता करते हैं कि ऑक्टल में जो है वो 8 क्यों आया, मतलब कि हमें 8 नंबर्स क्यों होते हैं ऑक्टल में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर हमारे पास 3 होता है, मींस ये 3 कैसे आया, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ऑक्टल में हमेशा 3 ही नंबर्स लिए जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर नहीं लिए जाते हैं, हमेशा 1 2 3 नंबर्स ही लिए जाते हैं बाइनरी वाले। ठीक है, मतलब कि 0 1 के सिर्फ 3 नंबर्स लिए जाते हैं, और ये 2 की पावर में होता है। ठीक है, क्यों 2 की पावर में होता है, क्योंकि बाइनरी है ना, बाइनरी 2 है, क्योंकि ये नंबर्स किसमें है, बाइनरी में है, तो इसलिए क्या है कि 2 की पावर 3 मीन्स ये 3 कॉलम्स हैं जिनमें क्या है, बाइनरी नंबर्स भरे हुए हैं, 0 0 1 या 1 0 0 ऐसे समथिंग भरे हुए हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि भैया ये 8 ही आएंगे नंबर्स। ठीक है, मीन्स कि ये 8 रोज देंगे हम लोग को, ये 8 रो दिखाता है, क्या दिखाता है, 8 रो, और ये क्या दिखाता है, कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम दिखाता है 3, और ये 8 रो दिखाता है, और ये बता रहा है कि भैया इसमें कौन से नंबर भरे हुए हैं, मतलब कि 0 और 1 तक के नंबर भरे हुए। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या है कि ये 8 रोज बनाएगा, 8 रो मतलब कि अगर मैं ऑक्टल की टेबल अलग भी चाहिए तो मैं अलग भी बना सकता हूँ, जैसे कि 0 1 2 3 4 डाल दूं और 7 तक ले जाऊं उसको, क्योंकि भाई 8 8 एलिमेंट हो जाएंगे मेरे। देखिए 0 से मैं काउंट कर रहा हूँ ना, तो 0 से काउंट करने पे मेरे यहाँ पे 7 तक 8 एलिमेंट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब कि इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसे चलाता है हॉरिजॉन्टल में उसको रो, और जो वर्टिकली होता है उसको कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्टल की बन गई, और इसी में ही मैंने, व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैंने क्या किया कि हेक्सा और ऑक्टल और डेसिमल सबको एक ही में ही बना दिया। आप समझ लेंगे बहुत ही आराम से, और अगर एक ही में बना लेंगे आप तो आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो देखिए, आप हेक्सा के लिए आते, तो हेक्सा में यहाँ पे क्या है, 16 है, मीन्स कि हमें पता है कि हेक्सा कहाँ तक जाता है, सिर्फ 16 तक जाता है। तो इसके है 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 जब हम लोग करेंगे तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे 16 रोज आ जाएंगी। 16 रोज जाएंगे मतलब कि 16 नंबर्स को खाली अलग अलग जो है वो कंटेन करके रखेगा, मीन्स कि ये तो हमें पता है रो है और ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो ये 4 कॉलम से मीन्स कि एक नंबर में हमारे 4 नंबर्स जो बाइनरी वाले होंगे वो कंटेन करके रखेगा। मीन्स कि अगर मैंने देखिए, अगर मैंने हेक्सा में 1 की वैल्यू जाननी है तो 1 की वैल्यू होती है 0001, मीन्स कि मैं ये 4 नंबर्स लूंगा, ठीक है। मैं ये 4 नंबर्स लूंगा, 3 नंबर्स नहीं लूंगा, मुझे ये सिर्फ 4 नंबर्स चाहिए, क्योंकि हेक्सा में हमेशा 4 नंबर्स ही लिखे जाते हैं एक कन्वर्जेंट में, ठीक है। मान लिया मैंने एक कन्वर्जेंट किया जो मुझे हेक्सा से किसमें लेके जाना है, बाइनरी में लेके जाना है, सॉरी बाइनरी में लेके चलते हैं, नहीं मतलब कि हम बाइनरी से किसमें ले जा रहे हैं, हेक्सा में। तो बाइनरी के अगर 4 नंबर होंगे जैसे 0001, तब ये इसकी वैल्यू हेक्सा में कितनी आएगी, 1, ठीक है। ऐसे होगा, ठीक है, कि अगर बाइनरी में अगर ये 4 नंबर्स होंगे, ठीक है, तभी ये जाके यहाँ पे हेक्सा में बदलेगा। अब भाई कि ये 001 है तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि बाइनरी में ये जो 00 नंबर्स होते हैं इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, अगर ये नंबर के आगे लग जाए, आगे कितने भी 0 लग सकते हैं, पर अगर ये पीछे लग गए तो इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अगर आगे नंबर हैं 000 तो आप उनको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये टेबल तो आपको पता चल गई कि ये टेबल मैंने कैसे बनाई, बहुत ही आसान है। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग सिर्फ हेक्सा जब बनाते हैं तो 9 तक ही जाते हैं, ठीक है, 9 तक जाते हैं। उसके बाद जो हमारे होते हैं हेक्सा के लिए, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लिखा है, ये सिर्फ मैंने डेसिमल के लिखा लिए लिखा है, पर अगर आप हेक्सा बना रहे हैं तो हेक्सा के लिए 9 के बाद ABCDEF, मीन्स कि ए की वैल्यू 10 होती है, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 12 होती है। ये किसके लिए होती है, डेसिमल के लिए होता है, पर हेक्सा में हम लोग क्या करेंगे, अगर 9 से ऊपर कोई नंबर चला गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ABCD में कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। और ये एफ तक ही जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 16 नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 15 तक कितने नंबर्स हो जाएंगे, मेरे पास 16 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक। तो ये टेबल आई होप आप समझ गए होंगे। इस टेबल को हर वीडियो में आप देखेंगे, और एक जो कंबाइंड वीडियो बनेगी उसमें भी आप इसको देखेंगे जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से ऑक्टा और बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल से कन्वर्ट किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो इसके करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूँ जो सब जगह इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0, ठीक है, इसके लिए, और इसके लिए क्या होता है, 2 की पावर 1, और इसके लिए क्या होता है, 2 की पावर 2, और इसके लिए क्या होता है, 2 की पावर 3। अब देखिए इन सबको करते कैसे हैं, कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, इनको कैसे लिखते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 × 2 की पावर 3 प्लस प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 1, ठीक है, सॉरी 0, ठीक है, ये आएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0, और इसकी वैल्यू आएगी 2, 2, 4, 8 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे 1 मतलब 8, 9, 10 और ये 11, इसकी वैल्यू कितनी आई, 11। अब इसका एक और तरीका होता है कि भैया हम लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली। तो इसकी यहाँ पे देखिए, इसका ये अलग तरीका मैंने बता दिया, वैसे कि जब भी हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, जब भी हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो हम लोग ये तरीका जरूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम लोग ऑक्टा टू डेसिमल बदलें, या हेक्सा टू डेसिमल बदलें, या बाइनरी टू है डेसिमल बदलें। ये याद रखिए कि हमेशा जब भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे हमेशा
ऐसे पावर के फॉर्म में लिखते हैं हम। जैसे यहाँ पे बाइनरी था, तो बाइनरी था तो यहाँ पे 2 की पावर लगी, पर अगर यहीं पे ऑक्टल टू डेसिमल होता तो यहाँ पे पावर कितने लग जाती, 8, क्योंकि ऑक्टल का कितना होता है, 8 होता है। फिर हेक्सा में क्या करना, हेक्सा डेसिमल में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 16 करना पड़ता है। वो खैर आगे की बात है, वो आगे हम लोग जानेंगे। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और किस तरीके से कर सकते हैं। मान लिया भैया हमने ये कर लिया, अब मुझे कोई और भी तरीका पता चल जाए जिससे मैं अगर मान लिया इसमें कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं वो तरीका अपना सकूं। तो मैंने बताया कि अगर आपने ये चार्ट बना लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चार्ट से हो जाने हैं। तो आप इस नंबर को इस चार्ट में ढूंढिए कहाँ पे, तो मैं ढूंढ रहा हूँ इस नंबर को, मीन्स 1011 1011 को ढूंढो, 1011 ये यहाँ पे आया, सॉरी नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1011। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1011 है, इट मीन्स कि मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये नंबर मिल रहा है क्या, यही नंबर है ना हमारा ये जो है, तो ये तो बी दिखा रहा है, पर बी तो किस में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा। डेसिमल में वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी डेसिमल की वैल्यू कितनी होगी, 11। तो देखिए यहाँ पे 11 आ रहा है पहले से, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए ना कि इसका क्या यूज है। अभी देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत यूज मिल जाएगा इसका। तो भैया अब हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि हम लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल में बदलना है, तो बाइनरी टू ऑक्टल में बदलने के लिए भैया इसी टेबल का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या और कोई तरीका वैसे है नहीं ज्यादा अच्छा, हम लोग इसी टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं कि इस नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल मीन्स भाई 8 होता है, तुम्हें पता है बेस 8 होता है ऑक्टल में। तो देखिए 1011 में ये रहा हमारा नंबर, ठीक है। तो जब ये नंबर है हमारे पास तो ये नंबर तो ऑक्टल में आता ही नहीं है, ऑक्टल में ये नंबर आता ही नहीं, तो ये ऑक्टल में नहीं बदल पाएगा। समझ गया, जो नंबर ऑक्टल तक नहीं आता है वो नंबर ऑक्टल में बदल ही नहीं सकता है। अब ये मैंने क्या कह दिया भैया कि जो नंबर ऑक्टल में नहीं आता है वो ऑक्टल में बदल ही नहीं सकता, ठीक है। पर इसके लिए एक थोड़ा सोल्यूशन है कि भैया मेरे पास ये चार नंबर है, चार नंबर है, और मैंने आपको क्या बताया है कि ये ऑक्टल सिर्फ क्या लेता है, 3 नंबर, 1 2 3 नंबर, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हुए ना, मैंने क्या बताया कि ये नंबर तो यहाँ पे आ रहा है पर ये ऑक्टल में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है। पर इसका आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा अभी मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान तरीका है कि भैया ऑक्टल में क्या होते हैं, सिर्फ 3 कॉलम्स लेते हैं हम लोग, और ये जो है ये 4 नंबर्स दिखा रहा है, तो हम लोग भैया इन 4 को 3 में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मेरी लेंथ यहाँ तक है बस, खाली यहाँ तक ही हम ऑक्टल दिखा सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इधर से 3 नंबर्स लेने पड़ते हैं, इधर से 3 नंबर्स लिए, फिर जो बचा उससे भी आगे 3 नंबर्स लेने पड़ते हैं, पर इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आगे 0 कितने भी बढ़ सकते हैं, पर पीछे अगर मैंने 0 बढ़ा दिए तो वो मामला गड़बड़ा जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे वैल्यू मतलब 0 बढ़ा दिए, ठीक। तो अब देखिए आप इसको ढूंढ के इसमें कहीं ऑक्टल में है कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो मैं ढूंढता हूँ पहले इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 011, तो 011 कहाँ है भाई, 011 मीन्स कि हमें यही मिल गया। यहाँ पे देखो 3 पे है, तो हम लोग इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3। अब हम लोग इसको ढूंढते हैं भैया 001 किधर है, तो 3 ही लेने, याद रखिएगा हम चौथी नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑक्टल है, ऑक्टल में हमें सिर्फ 3 ही कॉलम्स देखने होते हैं, चौथी कॉलम्स को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं 001, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। इट मींस कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13, ठीक है, 13th वैल्यू आएगी। तो चलिए भैया हम लोग ये देखते हैं कि भैया हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई देखिए मैंने डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल कन्वर्ट कर दिया, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगी। बहुत आसान तरीका, सिर्फ हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, किसी को इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो भैया देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो देखिए मैंने ऑक्टल को बदलते समय मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 3 नंबर लिए थे, अब मुझे लेने हैं पूरे के पूरे 4 नंबर। क्यों भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में कितने कॉलम्स होते हैं, 4 कॉलम्स। कैसे भाई, कि मैंने इसमें कितने नंबर्स होते हैं, टोटल 16,
ठीक है। और ये 16 कैसे आता है, 2 की पावर 4, इट मीन्स ये कॉलम है और ये हमारी क्या है, रोज है, और ये वैल्यू 0 1 के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। तो भैया ये हमें पता चल गया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि ये नंबर इसमें है तो है कहाँ, तो यही नंबर ढूंढिए इसमें, इसमें कहाँ, मैंने अभी इसी में देखा था, इसमें नंबर ये कहाँ पे है, 11th पोजीशन पे है, मतलब ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो पर अब यहाँ पे तो 11 मैंने लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिखें, तो भैया मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल जब आता है तो हम लोग 10th 11th 12th 13th 14 को ना लिख के, 15 को ना लिख के, सिर्फ 10 के मतलब 9 के बाद ए बी सी डी लिखते हैं। तो भैया 11 की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी, तो इट मीन्स कि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी, ठीक है भैया। ये हमेशा याद रखना कि हमारी जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल में 9 के बाद, 9 के बाद हमारी क्या होती है, ए बी सी डी में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि इस टेबल की मदद से आपके ये और आगे आने वाले जितने भी कन्वर्जेंट हैं वो बहुत ही आराम से, बहुत ही फ्लुएंटली हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये टेबल समझना ज़रूर पड़ेगा, मेरी वीडियो को एक बार पीछे रिवाइंड करिए और बहुत ही आसानी से समझिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर, हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं आप।